आईआईटी मंडी में युवा संगम कार्यक्रम देर सांय संपन्न हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम के समापन समारोह की अध्यक्षता विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। जयराम ठाकुर ने गोवा आईआईटी से यहां अध्ययन टूर पर आए छात्रों और स्थानीय छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा संगम कार्यक्रम विष्णु व महेश के मिलन जैसा कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के जरिए यहां के पहाड़ी रहन सहन और संस्कृति की जानकारी हासिल की। हमेशा इस बात को लेकर के कहने को रहता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं कुछ भी हमको ये नहीं करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। उसके जीवन को, उससे हम जीवन को बेहतर कैसे कर सके, उसमें उससे हम समाज को लाभान्वित कैसे कर सके, ये जरूर करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद टेक्नोलॉजी हमारी संस्कृति का विनाश कर दे, हमारे संस्कार का विनाश कर दे, हमारी प्रकृति का विनाश कर दे, ये बता दे, उसके लिए हम सब लोगों को काम करना है। और फिर क्या चीजें हैं, और उनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यहाँ से आप ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, धारण कर सकते हैं जीवन में। पहाड़ का मतलब है कि चढ़ाई उतराई, यानी कि जीवन में जो संघर्ष का एक है, तो वो पहाड़ सीधा सीधा वर्णन कर देता है अपने अपने इसमें ही, उसके अपने एक दृष्टि में ही। गोवा आईआईटी के छात्रों ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए हिमाचल की संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिला है। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी इनिशिएटिव हमारे लिए, और हमें यहाँ पर माउंटेंस देखने मिला है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिले, हम मंदिरें देखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, और ये बहुत अनोखी प्लेसेस है। हम अक्सर सोचते रहते थे कि माउंटेन्स कैसे रहते होंगे, मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन हम असलियत में देख पाए हैं। धन्यवाद कहना चाहता हूँ युवा संगम ये इनिशिएटिव के लिए, इससे हमें बहुत एक्सपोजर मिला है, एडुकेशनली डिफरेंट लोगों से मिले हैं, डिफरेंट वहाँ के वो लोग वहाँ पे रहते कैसे ये हमें पता चला है। माउंटेन्स में भी हमने एक बार लंच किया था, और वहाँ का एक्सपीरियंस तो अनोखा था। तो वही मैं कहना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव के।